तो यूपी में बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 34,626 नए केस सामने आए। 32,494 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। बीते 24 घंटे में 2,44,000 लोगों के कोविड टेस्ट मामले सामने आए हैं और कल के मुकाबले आज केस कुछ कम आए हैं, जबकि कल के मुकाबले 24 घंटे में 20,000 जांच ज्यादा हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से, सहयोगी शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर केसेस की बात करें तो कोरोना कल के मुकाबले आज कम केसेस दर्ज हुए, लेकिन अब भी कोरोना बेहिसाब अपनी रफ्तार जो है वो बनाए हुए है। इसको काबू करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आज क्या फैसले लिए गए हैं, क्या अपडेट? निश्चित रूप से देखिए, अगर बात करती है तो जो आंकड़े हैं वो कुछ राहत भरे जरूर कहे जा सकते हैं, क्षणिक तौर पर एक राहत कही जा सकती है, क्योंकि जो जांच थी वो पहले से थोड़ी सी बढ़ाई गई है और केसेस जो है वो पहले से कुछ कम आए हैं, वही जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या वो बढ़ी है। तो कुल मिलाकर तीनों तरफ से अगर हम देखते हैं तो आंकड़े थोड़े सुखद कहे जा सकते हैं, लेकिन एक दिन के आंकड़ों पर किसी विशेषता पर नहीं जा सकते। हालांकि अगर बात करें जो हालात है फिलहाल इस तरह से कोविड को लेकर, तो उसके बाद आज जो बड़ा फैसला था वो मुख्यमंत्री की तरफ से रहा, जिस तरह से उन्होंने एक साल से ज्यादा समय से चल रही अपनी टीम लीडर को भंग किया और टीम लाइन का गठन किया है, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ACSO इन सबको जिम्मेदारियां सौंपी है कि कैसे, चाहे बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे वैक्सीनेशन की हो, इसे लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है जिससे हालात को सुधारा जा सके, बेहतर किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिलहाल स्कूल जो है 12वीं तक के उनको 10 मई तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, कि 10 मई तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लास जो है वो स्कूल चाहे तो करा सकते हैं। इसके बाद अहम फैसलों में अगर बात करें, देखिए 1 तारीख से वैक्सीनेशन की जो मुहिम चलनी है, अभियान चलना है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज चर्चा की और कुछ ही देर में स्थितियां उसको लेकर भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि फिलहाल जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की जरूरत है, जो डिमांड भेजी गई थी उसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, क्योंकि कुछ समय पहले तक की बात करें तो वैक्सीन नहीं मिल पाई थी प्रदेश को, लेकिन अब क्या स्थिति है इसके बारे में कुछ देर में सरकार की तरफ से शासन की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी और वो अभियान जो है उसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की अधिकारियों के साथ। इसके साथ मुख्यमंत्री की आज रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो खुद कोविड पॉजिटिव थे, 14 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और नेगेटिव रिपोर्ट आते ही मुख्यमंत्री खुद फील्ड पर निकले। उन्होंने सबसे पहले जो अवध क्षेत्र ग्राम में DRDO की तरफ से एक अस्पताल बनाया जा रहा है कोविड का डेडिकेटेड, उसका निरीक्षण किया, वहां पर जो सेना के अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, उनसे वार्ता की, जिला प्रशासन के लोगों से वार्ता की और ये 500 बेड के आधुनिक अस्पताल को जिसमें 200 बेड वेंटिलेटर के, जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को एक्सेस किया जाए, यहाँ पर मरीजों की भर्ती जो है वो सुनिश्चित की जा सके जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिले। तो एक तरफ देखिए टेस्टिंग का काम बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसके साथ में बेड की व्यवस्था, इसको बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। जी शैलेश, ये होगा कि अभी तक टीम 11 काम कर रही थी लेकिन उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले इन हालात में और लोगों को निराशा हुई। देखना होगा कि अब जो लाइन का गठन हुआ है, जिस तरह से नए जिले से जिम्मेदारियां आवंटित की गई है, उसका कितना असर पड़ता है, उससे जमीनी स्तर पर लोगों को। जी बिल्कुल शैलेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी शैलेश अरोड़ा, अपडेट दे रहे थे। अब टीम 11 की जगह टीम 9 का गठन किया गया है और टीम 9 की जवाबदेही होगी हर चीज को लेकर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना को हराकर अब कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं और वो खुद जायजा लेने के लिए आज अस्पताल पहुंचे और DRDO अस्पताल का निरीक्षण भी किया, व्यवस्थाएं भी देखी और तमाम तरह के जो एक्शन हैं वो लिए जा रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन हो। स्वास्थ्य ACS अमित मोहन प्रसाद ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। RT-PCR के टेस्ट के लिए 1,15,142 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयां होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है, ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें
दवाइयां उपलब्ध की जा सके। निजी अस्पतालों में 8,145 व्यक्ति इस समय भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी व्यवस्था में अपना निशुल्क इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों या फिर सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हों। वहीं देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के लिए बीच कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। नोएडा के सेक्टर 30 जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन इतनी लंबी है कि लोगों को कई कई घंटे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के दूसरे वेव के बाद वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने के लिए घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना है कि वो सुबह से ही आकर वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आ सका है। मेरे कोविड का टीका लग चुका है, मेरी मिसेज के लगना था और रजिस्ट्रेशन करवाया था यहाँ पे और 2 घंटे हो गए मुझे। अभी टीका नहीं लगा मिसेज को? अभी टीका नहीं लगा, अभी 1-1.5-2 घंटे और लगे। घंटा लग गया होगा, अंदर काम चल रहा था, सफाई वगैरह। सफाई वगैरह की वजह से? आराम से, ऐसी बात नहीं, आराम से लगा। वहीं बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी गायब हैं। दुकानदारों की माने तो अधिकतर सर्जिकल शॉप्स पर पिछले 10 से 20 दिन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एबीपी गंगा की टीम ने लालबाग स्थित सर्जिकल आइटम्स के सामान की बड़ी मार्केट का मुआयना किया। जिस भी दुकान पर गए तो एक ही जवाब कि पिछले कई दिन से स्टॉक खत्म है। कोविड के मामले बढ़ने के साथ ही बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन बाजार से ये चीज़ें बिल्कुल गायब सी हो चुकी हैं। हम इस समय लालबाग में मौजूद हैं और यहाँ पर ये सर्जिकल आइटम्स का पूरा एक बड़ा बाजार भी है। कई सर्जिकल की शॉप्स पर हम गए, हमने जाना कि यहाँ पर क्या उपलब्धता है इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो लगभग हर दुकान पर एक ही जवाब मिला कि पिछले लगभग 15-20 दिन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं आ रहे हैं। जहाँ से सप्लाई आती है इन शॉप्स पर, वहाँ से माल ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग लेकर आ रहे हैं उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। हर दुकान पर अगर हम बात करें तो लगभग जो छोटी दुकानें हैं उनका ये कहना है कि रोज़ाना करीब 15-20 लोग उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर ही वापस लौटना पड़ता है। रोज़ इनको भी जहाँ से माल आता है वो कंपनियाँ सिर्फ दिलासा दे रही हैं कि जल्द ही माल की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन फिलहाल माल कब आएगा ये कोई नहीं जानता। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो नोएडा में एक तरफ जहां लोग कोविड मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए सीएमओ के पैर पकड़ने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर का जमकर उसकी कालाबाजारी की जा रही है। नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 पुलिस ने ऐसे ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो जरूरतमंद मरीजों को महंगे दामों में रेमडेसिविर बेचा करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त डॉक्टर इमाम अपने 2 साथी हमजा और मुजीब के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर 25,000 से 35,000 में बेच दिया करते थे। डॉक्टर इमाम दिल्ली NCR क्षेत्र में कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं देता था। अस्पतालों से वो जरूरतमंदों के नाम पर रेमडेसिविर लेता था और गैर जरूरतमंद मरीजों से सस्ते दाम पर खरीद लेता था और उसके बाद अपने दोनों साथी हमजा और मुजीब के साथ मिलकर जरूरतमंदों को 25,000 से 35,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा करता था। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इनके कब्जे से पुलिस को 3 वॉयल्स रेमडेसिविर इंजेक्शन, 3 मोबाइल फोन और 1 ब्रेजा कार बरामद हुई है। 29 अप्रैल 2021 को क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया। उससे अपने एक रिलेटिव के माध्यम से संपर्क हुआ था जब ये उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रोक्योरमेंट की कोशिश कर रहे हैं और उस इंजेक्शन को इन्होंने जो है उसके बाद उसका कालाबाजारी करना शुरू कर दिया और डॉक्टर इमाम के माध्यम से ये ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शन बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो उनसे ये इंजेक्शन नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपये में मार्केट में बेचते थे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना स्थल जाने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होने के फरमान ने उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की नींद उड़ा दी है। शामली के सभी ब्लॉक के उम्मीदवार
सुबह से ही कोविड टेस्ट करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइन लगा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिन भर कोविड टेस्ट करवाने वालों का मजमा लगा है। वहीं बेखौफ लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। हालात बेकाबू होता देख स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यवस्था को संभालते हुए सभी भारी मशक्कत कर लोगों को लाइन में खड़ा किया, जिसके बाद लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट कराना शुरू किया। दो तारीख में ना जो इलेक्शन के बक्से खुलेंगे तो उसमें अंदर एजेंट जाते हैं, उन एजेंटों का जो है टेस्ट होना कोरोना का, तो तभी वो एंट्री देंगे उसमें। तो इस वजह से यहाँ भीड़ लगी है। जो एरिया के प्रधान है वो अपने अपने एजेंटों को जो है यहाँ जांच कराने के लिए लाए हैं कोविड की, क्योंकि उनकी एंट्री तभी होगी वहाँ अंदर दो तारीख में जब उनकी कोरोना की जाँच देखी जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि अगर इनकी जांच भी कर रहे हैं तो उसमें आरटीपीसीआर 6 दिन बाद आएगा। 5-6 दिन लग जाते हैं, 5 दिन 6 दिन 4 दिन इस टाइप से लग जाते हैं उसमें। तो एजेंटों में टेस्ट कराने की होड़ लगी। इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां प्रत्याशियों के एजेंट के पास बनाने को लेकर लंबी लाइन लगी हुई है। लंबी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर जमकर उड़ रही है। तो मतगणना स्थल पर जाने के लिए प्रत्याशियों के समर्थक पास बनवा रहे हैं। और अमरोहा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 2809 है जिले में एक्टिव मरीज, और प्रत्याशियों के एजेंट पास बनाने को लेकर लंबी भीड़ वहां पर डटी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर वहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। मतगणना स्थल पर जाने के लिए प्रत्याशियों के समर्थक अपने पास बनवाने पहुंचे हैं। अमरोहा में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2809 केसेस एक्टिव हैं अमरोहा में। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई है, और कोर्ट ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही? तो वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र किया? निरक्षर लोग कैसे वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? यह भी सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। तो आपको बता दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दरअसल ये सवाल पूछा, निरक्षर लोग इसके लिए कैसे करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन? साथ ही जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या उनको स्वतंत्र छोड़ा गया है? इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल। तो वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है। बांग्लादेश में रेमडेसिविर का एक जेनरिक इंजेक्शन बनाया गया है, क्या वर्तमान कानून के तहत उसका आयात हो सकता है? ये कुछ सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा। क्या उसे भारत में बनाने का लाइसेंस लिया जा सकता है? हिस्सा खरीदकर वैक्सीन निर्माता कंपनी को क्यों स्वतंत्र किया? तो वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा, ये सार्वजनिक संसाधन है। वहीं कोरोना से ठीक होते ही सीएम का सबसे बड़ा एक्शन, बिगड़ते हालातों के बीच टीम 11 का पुनर्गठन किया। अब टीम 9 बनाकर सीएम योगी ने जिम्मेदारी सौंपी है आम लोगों तक, हर हाल में मदद पहुंचाने को कहा। दरअसल एबीपी गंगा ने सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही बता दिया था कि सीएम प्रदेश में बिगड़े हालात पर इतने नाराज हैं कि लापरवाह अफसरों पर की खैर नहीं है, और टीम 11 के कई अफसरों पर गाज गिरने तय है। अब एबीपी गंगा की खबर पर इस एक्शन से मोहर लग गई है। तो टीम 11 की जगह टीम 9 का गठन किया। टीम 9 के अफसरों को सीएम ने सौंपी जिम्मेदारी। संवेदनशीलता तत्परता के साथ लोगों की मदद पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने कहा, लोगों की हर तरह की सीधे लोगों को सहायता पहुंचाने का जिम्मा दिया है। टीम 9 के अलग अलग सदस्यों को जवाबदेह बनाया गया। वहीं सीएम योगी एक्शन मोड में जरूर आ गए हैं, लेकिन सूबे में हालात बिगड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कानपुर में इलाज के लिए एक युवक तड़पता रहा, बुखार में तप रहे युवक में कोरोना के लक्षण बताए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली चकरपुर मंडी में युवक लावारिस पड़ा रहा, मौके पर मौजूद लोगों ने 108 नंबर को सूचना दी, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी कोई वहां नहीं पहुंचा। उन्नाव में भी एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन करने के बाद कोविड पॉजिटिव बताकर मरीज को अस्पताल से बाहर कर दिया गया। तीसरी तस्वीर नोएडा की है, यहां के जिम्स अस्पताल के बाहर एक महिला ने गाड़ी में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और ऑक्सीजन की कमी से महिला की जान चली गई। इसके साथ ही एक परेशान करने वाली तस्वीर बिजनौर से सामने आई है, जहां गंगा बैराज पर चिताओं
की कतार लगी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी घोर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पोस्टमार्टम हाउस में 5 दिन तक शव पड़े रहे, जिसके चलते ये लावारिस शव सड़ गए। वहीं कोटद्वार में लोगों की जान से खिलवाड़ करने के मामले का खुलासा हुआ है। यहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां से पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली से पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में छापेमारी की। फिरोजाबाद में भी बदहाली का मामला सामने आया, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीज ने मरने से पहले सिस्टम की पोल खोल दी। मौत से पहले बनाए वीडियो में उसने बताया कि ऑक्सीजन न होने के चलते उसका दम घुट रहा है। अस्पतालों की बेशर्मी इतनी कि काफी हंगामे के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। दरअसल विकास अग्रवाल 24 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे, 3 दिन बाद उनकी तबीयत और बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। कृपया मेरी मदद करो, मेरे को ऑक्सीजन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, मेरा दम घुट रहा है। मैं इनसे कई बार कह चुका हूँ लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं आ रहा है, मुझे 3 घंटे से ही पड़ा हुआ हूँ, कृपया मेरी मदद करो। हेलो, तो 2 तस्वीरें आपके सामने फिरोजाबाद में मरने से पहले किस तरह से वीडियो वायरल कर अव्यवस्थाओं का खुलासा किया, पोल खोलती। एक और तस्वीर नोएडा से सामने आई, जहां एक महिला मरीज की गाड़ी में बैठे बैठे तड़प तड़प कर मौत हो गई। दरअसल उसको ऑक्सीजन की दरकार थी लेकिन अस्पताल ने उसको भर्ती नहीं किया। जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा है। तो मानवता को शर्मसार करती 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में किस तरह से जाने जा रही है। आगरा में कोरोना मरीज के लिए बेड की किल्लत हो रही है। जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है लेकिन तेजी से बढ़ते केस की वजह से परेशानी बनी हुई है। अब मूलचंद अस्पताल को प्रशासन ने टेक ओवर कर दिया है, जहां 25 बेड की व्यवस्था है जिसे लगभग 125 बेड तक बढ़ाया जाएगा। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जो नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। सिकंदरा में स्थित है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, पर चूँकि यहाँ मैन पावर कम थी, आप लोग कोविड में चला नहीं पा रहे थे, इसको हम लोगों ने टेक ओवर करके सीएमओ साहब को दे दिया था। यहाँ बगल में एक लोकल ग्रोवा हॉस्पिटल है जो कि अच्छा काम कर रहा है, उनसे इस हॉस्पिटल को टैग कर दिया गया, मैन पावर वो प्रोवाइड करेंगे। अभी अगले 24 घंटे में यहाँ 25 बेड से एक कोविड फैसिलिटी स्टार्ट होगी L2 स्तर का, जो कि आगे जाके लगभग 100 से 125 बेड का हम लोग अगले 3 से 4 दिन में कर लेंगे। वहीं कोरोना संकट से प्रयागराज में भी हाल बुरा ही है। एक तरफ मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं है तो वहीं मरीजों के तीमारदार भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मंडल के सबसे बड़े अस्पताल में 250 मरीज हैं लेकिन परिजनों के लिए यहां इंतजाम नजर नहीं आ रहे। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शमशान घाट में लगातार शव पहुंच रहे हैं और चिताएं जो हैं वो जल रही हैं। कोरोना मरीजों के तीमारदारों को भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके लिए भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही।